Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls. Assalamu alaikum nazreen, aap sab ka istiqbal e 18 Telangana News ke khas khabarname par aaj 20 July Tuesday ka din hai, aaye nazreen dekhte hain aaj ka khas khabarnama. सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के आजम खान जो सीतापुर जेल में थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने से मंडे के दिन सुबह के वक्त उन्हें हॉस्पिटल शरीक किया गया। लखनऊ में आजम खान को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम की जांच के बाद उन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल भेजा गया। जेल से करीब 2 बजे एम्बुलेंस के जरिए पुलिस की निगरानी में एसपी के सीनियर लीडर आजम खान मई के महीने में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। मेदंता हॉस्पिटल लखनऊ शिफ्ट किया गया था। आजम खान जेल की सजा काट रहे हैं। वो कई केसेस में मुलाविस थे जिसमें चीटिंग और फ्रॉड किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा जो एक बिजनेसमैन है उन्हें गिरफ्तार किए। ये गिरफ्तारी की वजह बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा का ताल्लुक पोर्नोग्राफी से है। मुंबई पुलिस ने इस साल के फरवरी को पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किए है जिसमें से राज कुंद्रा को सबूत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। संडे के दिन काबा का किस्वा यानी गिलाफ़ काबा बदला गया। संडे की रात जुलाई 18 को 8वीं जुलहज के मौके पर मस्जिद अल हरम सऊदी अरब में इस मौके पर देखा गया कि हज करने वाले अफराद मास्क पहनकर हज कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ये रिपोर्ट बताए। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस ने कुछ अहम लोगों को टारगेट बनाया है जिनमें से कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जैसे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर और न्यू आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। ये 3 लोगों को टारगेट बनाया गया है। इन सब के डिवाइस हैक करने और इनके बारे में गैर कानूनी तरीके से मालूमात हासिल करने, ये रिपोर्ट द वायर एजेंसी ने बताया। दिल्ली द्वारका के इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक पुलिस कार गाड़ी में गिर गई। रातों रात दिल्ली में नेशनल कैपिटल के शहर में सुबह के वक्त वाइट एसयूवी को बाहर निकाला गया क्रेन की मदद से, दिल्ली पुलिस ने कहा। सऊदी अरब की हुकूमत ने एक्सपेट्रिएट लोगों पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब में दाखिल होने से 9 कंट्रीज पर रोक लगाई गई है जिनमें शामिल इंडिया भी है। लोकल मीडिया ने सैटरडे के दिन ये इत्तला दी। न्यू ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडे के दिन मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान तादाद के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें हरासा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया में डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं। जैसे कि है ना इसका थोड़ा नीचे गिर जाएगा।